जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए, ये एक सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की झांकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े मेला कहे जाने वाले सोनपुर मेला की। ऐसा कहा जाता था कि पहले के ज़माने में यहाँ पर सुई से लेकर जहाज तक बिका करते थे, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग हैं और इन्हीं अलग तस्वीरों को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सोनपुर, बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में ये मेला लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला पुकारते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर और वैशाली ज़िले के मुख्यालय यानी कि हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक नदी तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दी है। हर एक कोने से यहाँ पर पशु प्रेमी पहुँचते हैं और ऐसे ऐसे जानवरों को यहाँ से लेकर जाते हैं जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें भौचक्का रह जाती हैं। लेकिन आज तस्वीरें कुछ बदल चुकी हैं। इसी महीने के बाकी मेले में उलट ये मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया यानी कि भारत से भी बाहर से कारोबारी आया करते थे। अब भी ये एशिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला माना जाता है। सोनपुर पशु मेला आज भी नौटंकी और नाच देखने वालों के लिए एक तरीके का डेस्टिनी बन चुका है। एक ज़माने में ये मेला जंगी जहाज़ों, जंगी हाथियों का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ से कई हाथियाँ खरीदी थीं। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी की मल्लिका गुलाबबाई का जलवा होता था, लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं। नौटंकियों की जगह अब थिएटर ले चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके का अस्थाई सिनेमाघर टाइप का बनता है जो शाम की सतरंगी रोशनियों के साथ सजता है और देर रात तक वहाँ पर कारोबारी आकर अपनी थकान मिटाने के लिए इस डांस प्रोग्राम को देखते हैं। सोनपुर मेला में भू राजस्व विभाग का स्टॉल भी बिहार के सभी राजस्व ग्रामों का डिजिटल मानचित्र 150 रुपये में मिल सकता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, नायाब चीज़ें आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं जो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखे ही नहीं होंगे। तो पूरे 11 महीने के बाद 12वां महीना जब आता है यानी कि नवंबर के लगभग 20 या 26 तारीख से ये मेला शुरू होता है और पूरे एक महीने तक इसकी रंगत फिजाओं में आप देख सकते हैं। चलिए कि मेले से जुड़े तमाम आयोजन तो यहाँ होते ही हैं। यहाँ हाथियों और घोड़ों की खरीद हमेशा सुर्खियों में रहती है। पहले यह मेला हाजीपुर में हुआ करता था। सिर्फ हरिहर नाथ की पूजा सोनपुर में होती थी, लेकिन इसके बाद में मुगल बादशाह, जिसे कौन नहीं जानता, औरंगजेब के आदेश से ये मेला सोनपुर में ही लगने लगा। सन 2001 में सोनपुर मेला में लाया गया हाथियों की संख्या लगभग 92 थी, जबकि 2016 में 13 हाथियों ने इस मेले में अपनी जगह बनाई। प्रदर्शन, बिक्री और यही सारी चीज़ें इस मेले को ख़ास बनाती हैं। सोनपुर मेले का उद्घाटन इस बार हमेशा की तरह नवंबर में ही हुआ और एक महीना तक ये मेला चलता है। मेले में नौका दौड़, दंगल, वाटर स्पार्पिंग, वाटर के नग सहित विभिन्न प्रकार के खेल व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। सैकड़ों वर्ष के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला 2020 में ही केवल नहीं लग पाया, उसके बाद ये हमेशा लगातार चलता रहा क्योंकि उस समय कोरोना की महामारी थी।
ऐसे झूले मौजूद हैं जिसे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल इस तरह के मेलों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आते हैं, तो उनका भी ख्याल बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा जाता है और पूरे एक महीने तक इन झूले के मालिक हैं, उनकी रोजी रोटी, उनका चूल्हा चलता है, क्योंकि कमाई इतनी बढ़िया होती है कि आगे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तस्वीर के माध्यम से हमारे चैनल की ओर से ये प्रस्तुति, सोनपुर मेला पे विशेष प्रस्तुति हमने आपको दिखाई, और अगले बार हम आपको निश्चित रूप से ये वादा करते हैं कि जो भी वहाँ पर डांस करने आती थी और जो भी वहाँ पर इस तरह के ड्रामे हुआ करते थे, लोगों की जो खुमारी वहाँ पर उतरा करती थी, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और उनकी जिंदगियों को ज़रा सा टटोलने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये लेडीज़ डांसर आती हैं और कब से वो ये काम कर रही हैं और कितने सालों से इस पेशे को अपनाई हुई हैं और एक महीने के बाद इन डांसरों क्या है, वो जाति कहाँ है। अगली खबर में बस यही सब कुछ रहेगा।